Morning, students. Very bad that again today my net got disconnected to my surprise. So I'm making this video for you people so that you can do your work, and whatever been taught in the class can be told to you, taught to you in a proper manner. Okay, so we were discussing about the food and type of protective food. We were doing the type of protective food in which we studied about the vitamins and minerals. हम लोगों ने विटामिन एंड मिनरल पढ़ा था कि ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं किसके प्रोटेक्टिव फूड के, ऐसे फूड जो हमें खाना, ऐसा खाना जो हमें बचाते हैं किससे, डिजीज होने से, डिजीज से, सिक होने से. तो हम लोगों ने पढ़ा था vitamins. इसमें ये देखा था कि we have got four types of vitamins. हम लोगों ने four types of vitamins discuss किए थे, उसके usages बताए थे, उनके sources बताए थे, उनके क्या फंक्शंस है पता है. आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में. ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल. आई होप यू आर, यू विल लव टू सी दैट. यस, सो दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू स्टडी टुडे, एंड वी स्टडीड इन द क्लास आल्सो, बट ड्यू टू सम नेट इश्यूज वी वर नॉट एबल टू डिस्कस इट प्रॉपरली. ओके, सो विटामिंस के अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं. आपको चार मिनरल पढ़ने हैं. ये चार मिनरल भी हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं, एक्टिव रहने में मदद करते हैं. डिफरेंट मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डाइट. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. आप ये जाने कि इनको हमारे बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट. आप 250 ग्राम आटे का चावल, आटे का रोटी खाते होंगे, लेकिन आपका एक किलो का सॉल्ट जो कि आयोडीन होता है पूरे महीने चलता है. वन स्पून इट इज इनफ बिकॉज यू नीड टू हैव दिस आयोडीन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन योर बॉडी, बट यू नीड टू हैव. आपको चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, थोड़े कम अमाउंट में चाहिए लेकिन आपको चाहिए, बिकॉज इनका अपना ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्या रोल है दैट? पहला लेते हैं कैल्शियम. पहला है कैल्शियम. आपके पास बुक होगी, आप पेज नंबर 55 खोल के बैठेंगे. ओके, कैल्शियम ये आपको कहां से मिलेगा? ये कैल्शियम मिलेगा मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से. इनका फंक्शन होता है हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी टीथ. आप देखेंगे कैल्शियम जो टूथ, मैंने आपसे उस दिन कहा बेटा कि जो टूथपेस्ट के रैपर्स होते हैं, रैपर्स होते हैं उसको पढ़ोगे. अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एनी रैपर, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू. कि उसके ऊपर लिखा होता है रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. आपके पास जो टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, देखेंगे उसमें लिखा होता है इट इज रिच इन कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम उसमें कैल्शियम डाला होता है, बिकॉज कैल्शियम हेल्प्स टू कीप योर टीथ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड इवन योर बोन्स, है ना. तो कैल्शियम इज नीडेड बाय यू, by your body to keep your bones and teeth healthy. Okay? ये हमें कहाँ से मिलेंगे? Green leafy vegetables and milk से. यानी कि दूध का तो बनता है एवरी डे. हमें सारे कुछ मैक्सिमम चीजें आप देखें ऊपर, आपको सारे विटामिन्स मिल रहे हैं दूध में, विटामिन डी को, सी को छोड़ के. विटामिन ए है, बी है, डी है, सब आपके दूध में है. उसके बाद अगर हम मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारे टीथ को, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये भी मिल रहे हैं. तो यू कैन नॉट स्किप मिल्क एट ऑल. आपके डाइट में, आपके रोज के खाने में, आपके डाइट में यू नीड टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, नॉट अ कप, अ ग्लास ऑफ मिल्क जरूरी है. ओके, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. नेक्स्ट मिनरल इज फॉस्फोरस. अगेन, वेयर विल यू गेट दिस मिनरल फ्रॉम? अगेन, यू विल गेट इट फ्रॉम मिल्क, एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. सो जो बच्चे स्किप करते हैं दूध, वो कमजोर बोन होंगे उनके. जो स्किप करेंगे मिल्क, जो स्किप करेंगे ग्रीन वेजिटेबल्स, वो डिजीज होंगे. वो जोर का तोड़, किसी ने जोर के मुक्की मारी, उनके हाथ टूट गए, उन्हें हाथ में स्प्रेन हो गया, बोन्स क्रैक कर गए. तो बच्चे, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ. आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, और इस मजबूत बनने के लिए, हेल्दी बनने के लिए यू नीड टू हैव मिल्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस. आपको प्रायोरिटी बेसिस में मिल्क को लेना ही लेना है.
नीड टू हैव. ओके, तो मिल्क चाहिए, एग चाहिए, फिश चाहिए, और जो वेजिटेरियन है अगर वो नॉन वेज नहीं लेते, यू नीड टू हैव पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, बिकॉज बहुत बच्चों की शिकायत आती है पेरेंट्स की, हमारे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते. बच्चे मेक इट अ प्रैक्टिस कि ग्रीन वेजिटेबल्स में आपके सारे विटामिंस हैं, सारे मिनरल्स हैं, आप जितना इन्हें खाएंगे जितने उतने आप हेल्दी रहेंगे. तो जो बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स स्किप करते हैं वो कमजोर हो जाते हैं. ओके, तो यू नीड टू हैव ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ ऑल्सो. फोर्थ इज आयरन, वो लोहा नहीं है ना, बोलेंगे मैम आयरन क्या लोहा खा जाए, नहीं नहीं नहीं, आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. आपके ब्लड का ये रेड पिगमेंट है जिसमें आयरन की मात्रा होती है ना, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीजेस, इन्फेक्शंस. हमको कोई इन्फेक्शन, आप देखेंगे कोई इन्फेक्शन होता है तो ब्लड टेस्ट करके हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है ना. आप दे सोच, आप दे, किसी को कोई बीमार है, भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, लेकिन बीमार होने पे ब्लड टेस्ट करके देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है, कितना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन. जिनके हीमोग्लोबिन अच्छे होते हैं उन्हें थोड़ी डिजीज होने की, इन्फेक्शन होने की चांसेस कम होती है, बिकॉज वो क्या कहता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम infections. It is required for the formation of hemoglobin in our blood and protect us from infection. RN ki matra achhi khasi ho to. Aur ye RN hume kahan se milta hai? We get it from peas, we get from nuts, spinach, beans, apple. To aap isko bhi skip nahi kar sakte. And last is iodine. Iodine is important for the normal growth and development of our body. Isko hum log class 5 mein bahut badhiya se padhenge. आप इतना जान के जरूर रखें ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना. तो आयोडीन जो है ये आपको मिलेगा सी फूड से, लाइक फिश से मिलेगा, प्रॉन से मिलेगा, और साथ में मिलेगा आयोडाइज्ड सॉल्ट्स. अभी जितने भी सॉल्ट आप यूज करते हैं घर में वो तो सारे आयोडाइज्ड होते हैं, ऑल द सॉल्ट्स आर आयोडाइज्ड सॉल्ट. तो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने जिसमें कि आयोडीन की मात्रा भरपूर मात्रा में हो. ये आपके डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द नॉर्मल ग्रोथ इसके लिए बहुत जरूरी. आयोडीन की मात्रा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो एक डिजीज होती है, वो गॉइटर कहते हैं, गले में स्वेलिंग हो जाती है. यू गो टू क्लास 5, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिजीजेस, कौन कौन से डिजीज है जो कॉज करते हैं इन मीटर, इन विटामिंस, इन मिनरल्स के एब्सेंस. आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, चेहरा स्वेल कर जाता है, एकदम पीला चेहरा लगता है, पैड स्वेलिंग हो जाती है, वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाती है. तो ये आपको पढ़ना अभी नहीं है, बट आप जाने कि हमें सारे वेजिटेबल्स खाने हैं, सारे फ्रूट्स खाने हैं, सारे सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, और साथ में हमें मिल्क तो एकदम कंपल्सरी. ओके, हम लोग रफेज एंड वाटर भी पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग आज, हम इसको कल फिर डिस्कस भी वापस करेंगे. इसके अलावा, इन फ्रूट्स के अलावा, इन फूड के अलावा, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, इनके अलावा इनको आपको चाहिए खाने की मात्रा में, खाने में प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट. यू नीड टू हैव रफेज एंड यू नीड टू हैव वाटर. नाउ व्हाट डज रफेज मीन? रफेज वो फूड है जो आपके खाने में प्रेजेंट है, दे आर द फाइबर जो आपके खाने में ही है. समय से अदर एसेंशियल्स आ गए, ये आपके खाने में ही है, ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, ये आपको कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता. मोर ओवर ये खाना को क्या कहें उसको, जो आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको आपके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. रफेज इज अ फाइबर प्रेजेंट इन फूड. खाने में जो रफेज, जो फाइबर है उसको हम रफेज कहते हैं. इट इज मेनली, इफ वी गेट मेनली फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड होल ग्रेन्स. इस जनरली हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्स और ग्रेन में मिलते हैं. ये क्या करता है, फाइबर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, लेकिन ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड से गेट रिड ऑफ, उससे बचने में, उसे उसको बॉडी से निकालने में. इट आल्सो हेल्प टू अवॉइड ओवर ईटिंग. रफेज इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. एंड नेक्स्ट इज वाटर. वाटर भी बहुत एसेंशियल है, ये आपको हेल्प करेगा डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आपकी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिएंट हमने खाया ना, कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, विटामिन्स लिया, ये वाटर के द्वारा ही हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब करवाया जाता है.
हमारा खाना हजम तभी होगा प्रॉपरली जब हम अच्छे से पानी पिएंगे। तो अगर हम पानी प्रॉपरली नहीं पिएंगे तो एक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट हमारा बहुत क्लियर नहीं होता, खाना हजम नहीं होता। तो यू नीड टू हैव वाटर इन अ गुड अमाउंट। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो हेल्प अस टू हेल्प इन थ्रोइंग द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी में जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको भी आपकी बॉडी से निकालने में मदद करता है। यू शुड एटलीस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हर बच्चे को 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे। आपका आज का काम रहेगा होमवर्क टू ड्रॉ द मिनरल चार्ट इन योर कॉपी, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिनरल के बारे में पता करके रखें। कल हम जो क्लास लेंगे उसमें आपको कुछ मिनरल्स के मैं भी कुछ कलर कर लेती हूँ आपके लिए, ताकि मैं मिनरल्स को आपको दिखा सकूँ कि कहाँ कहाँ हमें कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय स्टूडेंट्स।